नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर फैंटेसी गली की तरफ से एक नए वीडियो में। ये है बिग बैश गेम नंबर 34, यानी ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच जो खेला जाएगा करारा ओवल में। वैसे तो ब्रिस्बेन हीट की कथा जो है इस तरह है और सिडनी सिक्सर्स की इस तरह, यानी आप समझ गए कि सिडनी सिक्सर्स जो पिछले 2 साल से ये बिग बैश की टूर्नामेंट जीतती आ रही है, तीसरे साल भी लगातार जीतने के कगार पे तो नहीं कहूंगा लेकिन एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। ये और पर्थ स्कॉचर्स, ये दोनों ही टीमें ऐसी लग रही हैं जो बहुत ही अच्छे जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन ब्रिस्बेन हीट उतनी ही कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है। पिछले कई सालों से ऐसी ही खेलती आ रही है, चाहे उनके टीम में क्रिसलिन हो या ब्रेंडन मैकलम हो या ना हो, कुछ ज्यादा खासा फर्क नहीं पड़ रहा है उनके परफॉर्मेंस पर। लेकिन आपको इस वीडियो से क्यों ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम आपको इस पिच के बारे में या इस मैच के पिच के बारे में बताएंगे कि किस तरह की टीम आपको बनानी चाहिए, आपको टीम से क्या लेना देना, आपको तो पॉइंट से मतलब है और पॉइंट्स के साथ रिवॉर्ड से मतलब है। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह के प्लेयर्स आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिला सकते हैं और फिर किस तरह के कॉन्टेस्ट में आपको भाग लेना चाहिए रिस्क स्ट्रैटेजी और अपने बजट एनालिसिस के हिसाब से, और फिर किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। तो फिर देखते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्लीज 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 वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए करारा 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 पे देखते हैं कि क्या ब्रिस्बेन हीट सिडनी सिक्सर्स को करारा जवाब दे सकती है। मेरे ख्याल से दे सकती है, अगर टीमें यहां पर पहली बैटिंग करती हैं तो फिर एक बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि जब सेकेंड इनिंग्स में आती है ना बारी पारी, तो फिर पिच जो है काफी धीमी हो जाती है और बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसे कहने के लिए तो सिडनी सिक्सर्स काफी बार इस श्रृंखला में टेस्ट हो चुकी हैं। एक मैच में तो वो 50-8 थे। अगर इन दोनों ही टीमों के बीच की बात करें, लास्ट मैच जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तब ब्रिस्बेन हीट तो खैर मर मर के 107 तक पहुंची और फिर सिडनी सिक्सर्स जवाब में 47-8 थी, फिर भी वहां से शॉन एबर्ट ने मैच निकाल के दे दिया। तो सिडनी सिक्सर्स के पास मोमेंटम है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अगर टीम पहली बैटिंग कर रही है तो आप उस टीम से ज्यादा प्लेयर्स अपनी टीम में ले। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह के प्लेयर्स आपके टीम में होने चाहिए। तो विकेट कीपर्स में जॉश फिलिपी के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, थोड़ा ग्राफ कम होता जा रहा है 100, 150, 38 और 33, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा जॉश फिलिपी पे आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। वहीं पर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बेन डकेट अब धीरे धीरे थोड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 124, 96, 35, ये थोड़ा अच्छा फॉर्म नजर आ रहा है। इनफैक्ट वो जो सिडनी सिक्सर्स के साथ ये वाला मैच था जहां पर 35 अंक दिलाए थे, ये टॉप स्कोरर रहे थे, तो बेन डकेट आप अपनी टीम में जरूर रखें। बल्लेबाजों में मॉइज़स ऑनरिक्स को आप नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते, यूटिलिटी क्रिकेटर है, कोई कोई साइड्स में ये आपको एज एन ऑलराउंडर भी मिलेंगे या कोई कोई साइड्स में आपको एज बैट्समैन भी मिलेंगे। फायदा ये है कि एज अ बैट्समैन या ऑलराउंडर के पॉइंट्स मिलके तो डबल फायदा, तो कंसिस्टेंट प्लेयर है। वहीं पर अगर हम ब्रिस्बेन हीट की तरफ देखें, क्रिस लिन का तो नाम है लेकिन वो ज्यादा डिपेंडेबल नहीं है। क्या हम किसी और को ले सकते हैं जो थोड़ा बहुत भी डिपेंडेबिलिटी दिखाते हैं, तो वो है सैम हीजलेट। सैम हैजलेट थोड़े अंडर द रेडार रहते हैं, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट के बारे में आप जब भी बात करते हैं तो सिर्फ 2-3 नाम ही आते हैं, एक तो क्रिस लिन, माफ कीजिएगा, दूसरा नाम है ब्रेंडन मैकलम जो काफी समय पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ऐसे कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो अच्छा करते हैं। तो मेरे ख्याल से क्रिस लिन को लेना थोड़ा रिस्की होगा, आप उन्हें तभी ले अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग कर रही है, लेकिन वो भी काफी बड़ा रिस्क है। सैम हेजलेट कंसिस्टेंट है, 70, 40, 34, ये 3 अंक हैं रीसेंट 5 में से, तो हेजलेट को आप अपनी टीम में जरूर रखें। अब बारी आती है ऑलराउंडर्स की, यानी हरफन मौला की। भाई ये तो कहते हैं ना, बच्ची पैदा हो गई तो फिर पिता का लक जो है पूरी तरह से चेंज हो गया। वाह क्या कमबैक है इस आदमी का, और लास्ट 3 मैच में देखे 114, 62 और 201, 2 बार ड्रीम टीम के टॉप स्कोरर बन चुके हैं, और फिर अगर उसके पहले भी अगर देखे स्टार्स के विरुद्ध भी 105 अंक, जबरदस्त कमबैक रही है शॉन एबर्ट की। और जो हीट के साथ वो पारी खेली थी उन्होंने, पहले तो गेंदबाजी के साथ 3 विकेट चटका और फिर
बल्लेबाजी के साथ अच्छे रन भी बनाए, कॉन्फिडेंस सुपर्ब रहेगा शॉन एबर्ट का। तो शॉन एबर्ट को आप अपनी टीम में डेफिनेटली रख सकते हैं, यहां तक कि आप इन्हें अपना कैप्टन भी बना सकते हैं। नॉर्मली मैं किसी फास्ट बॉलर को कैप्टन बनाना थोड़ा रिस्की समझता हूं, लेकिन क्योंकि एबर्ट अब एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं, आप इन्हें कैप्टन बना सकते हैं। वहीं पर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से ये बंदा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये अभी इस साल से ही नहीं पिछले साल से भी, ये क्रिस लिन की कप्तानी में उभर कर आया है, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं क्रिस लिन, इनके ऊपर भरोसा जताते हैं, इन्हें नंबर 6 या 7 पे उतारते हैं, यानी कहते हैं कि आप हमारे लिए वो 23 रन बनाएंगे जब मैच खत्म या इनिंग्स खत्म होने वाली रहती है, लास्ट के 3-4 ओवर बाकी रहते हैं। और इनके पॉइंट्स देखे खराब नहीं है, 39, 66, 54, 76 और 67, तो अच्छे रिदम में हैं और कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं, आप इन्हें अपनी टीम में बेशक रख सकते हैं। अब आते हैं गेंदबाजों पर। अब नॉर्मली हम जब एक पिच की बात करते हैं जो स्लो डाउन होने वाली है सेकेंड पारी में, हम कहते हैं कि स्पिनर्स आप ज्यादा रख सकते हैं। वैसे ब्रिस्बेन हीट के बारे में कहें तो मुजीब के अलावा कोई और स्पिनर मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए स्टेकेटी का नाम सीधा सामने आ जाता है, अच्छे तेज गेंदबाज है। और ये देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस है, 103, 99, 92, 54 और 49, और ये भी बल्ले के साथ थोड़े अच्छे रन मारते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छे फायदेमंद प्लेयर साबित हो सकते हैं। सिडनी सिक्सर्स के लिए स्टीवन ओकीफ एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, स्पेशली अगर सिडनी सिक्सर्स डिफेंड कर रही होगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में जब गेंदबाजी कर रहे होंगे तब स्टीवन ओकीफ आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, पिच थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी और इन्हें आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर सिडनी सिक्सर्स पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर बेन ड्वॉर्शियस आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन है, पिछले मैच में 98 अंक दिलाए थे जो ब्रिस्बेन हीट के सामने था, ड्रीम टीम के सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर थे। अब इनके अलावा हम ये देख सकते हैं कि और कौन है जो आपको पॉइंट्स दे सकता है, ये बंदा मुजीब उर रहमान। अब पिछला मैच इन्होंने खेला था होबार्ट हरिकेन्स की तरफ, हरिकेन्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है माइकल हसी थे ऑन एयर कमेंट्री पे और कह रहे थे कि मुजीब के पास 4 अलग अलग तरह की गेंदें हैं, मतलब एक तो वो सीधा फेंकते हैं, एक कैरम बॉल रहता है, एक लेग स्पिनर रहता है, यानी वो नॉर्मल एक ऑफ स्पिनर है, एक लेग स्पिनर रहता है और एक दूसरा रहता है। ये 4 जो पहला नॉर्मल बोल रहा हूँ ऑफ स्पिन, यानी ऑफ स्पिन, फिर कैरम बॉल, फिर लेग स्पिन और दूसरा, यानी लेग स्पिन और दूसरा, ये अलग अलग है उनके पास वेरिएशन, 4 वेरिएशन, और एक घपाघप ओवर खत्म करते हैं, बैट्समैन को समझ में भी नहीं आता कि कब ओवर शुरू हुआ और कब समाप्त। तो मुजीब आपके टीम में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, चाहे हीट पहली गेंदबाजी करे या फिर सेकंड, बहुत ही अच्छे रिदम में लग रहे हैं और पिछले 3 मैचों में देखे अच्छे परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं, 40, 35 और 103। तो ये हो गए आप हमारे प्लेयर ऑप्शंस। अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ। तो फिर सबसे पहले तो सेफ कैप्टन ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, तो शॉन एबर्ट एकदम सेफ, बहुत ही सेफ है शॉन एबर्ट, क्योंकि आपको ऑलराउंड पॉइंट्स देंगे बैट और बॉल के साथ। वहीं पर मॉइसेस ऑनरिक्स, ये भी एक अच्छे सेफ ऑप्शन है, कंसिस्टेंटली आपको अंक देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं थोड़े थोड़े रिस्की प्लेयर्स की तरफ। अब एक रिस्की प्लेयर है जॉश फिलिपे, थोड़े फ्लैम्बॉयंट हैं, हालांकि इस सीजन थोड़े कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, ये रन्स कम मारते हैं और आउट होने के ज्यादा चांसेस रखते हैं, लेकिन अगर ये चल गए तो आपको बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स देंगे। तो फिर जॉश फिलिपे को अपने रिस्क और बजट के हिसाब से, यानी आपके एनालिसिस, आप किस तरह के प्लेयर हैं, रिस्की हैं, सेफ हैं, उस हिसाब से अपने कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन रखें। एक सलाह दूंगा, अगर कैप्टन रखना है तो तभी रखना अगर सिडनी सिक्सर्स पहले बैटिंग कर रही हो तो। सेम लॉजिक क्रिस लिन पर भी है, रिस्की कैप्टन है, लेकिन अगर चल गए तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं। और ब्रिस्बेन हीट की तरफ से ही जेम्स बेसली, ये भी एक अच्छे ऑलराउंड ऑप्शन है, यानी गेंद और बल्ले के साथ, दोनों के साथ आपको परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, और अभी हाला इनका फॉर्म काफी उमदा चल रहा है। तो ये थे हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस। तो दोस्तों हमने हमें आपको सभी प्लेयर्स के बारे में बता दिया, हम अभी आपको आपके बारे में ही पूछना चाहेंगे, बताना नहीं, पूछना चाहेंगे कि आप किस तरह के प्लेयर हैं, रिस्की हैं, सेफ खेलते हैं। अगर आप सेफ खेलते हैं मेरी तरह, तो फिर आप
ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट में ना रहे, लो टू मीडियम में ही रखे और छोटे छोटे कॉन्टेस्ट में भाग ले, यानी हेड टू हेड 2 से लेकर 10 प्लेयर वाले तक ज्यादा तक ना जाए क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपको इन सब का अंदाजा है, तो फिर आप बेशक ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन को ध्यान से चुन सकते हैं, क्योंकि अंत में ये सब खेल कैप्टन और वाइस कैप्टन का ही हो जाता है, खास करके कैप्टन, क्योंकि डबल पॉइंट देता है वो और वाइस कैप्टन 1.5, तो आप तो ये सब जानते ही हैं। तो उस हिसाब से आप अपने कॉन्टेस्ट भी चुने, यानी सेफ कॉन्टेस्ट खेले या फिर थोड़ा रिस्की। इसमें मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ग्रैंड लीग चुन लिया तो आप जीत ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपने छोटे छोटे पॉकेट्स में इन्वेस्ट किए ना, तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने मान लीजिए 10 टीम बना लिए, तो फिर 10 टीम छोटे छोटे कॉन्टेस्ट में जीतने के मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं 80%, क्योंकि 10 में से 8 में तो मेरे जीतने के चांसेस हो जाते हैं। अब कैसे वो मैं बताता हूं, क्योंकि कम प्लेयर्स हैं आपके पास, यानी 2 प्लेयर के साथ खेलेंगे, 3 प्लेयर के साथ खेलेंगे, आपके जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, ग्रैंड लीग में थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से फैंटेसी गली ने अपने मैच सेंटर में, हर एक मैच के मैच सेंटर में आपके लिए कॉन्टेस्ट सेक्शन रखा है। वहां पर आप जाएंगे तो फैंटा सिंह मौजूद है, आपको उन्हें यहां से वहां, वहां से यहां हिलाते रहना है। स्क्रॉल करते करते आपको फैंटा का रंग बदलते नजर आएगा, बदलते रंग के साथ आपके लेफ्ट साइड में आपको कॉन्टेस्ट बदलते नजर आएंगे, वहीं पर आपके राइट साइड में आपको अप्रोक्सीमेट कमाई भी दर्शाई जाए। यही नहीं, अगर आप फैंटा पे माउस ओवर करेंगे तो आपको यह भी बताया जाएगा कि आपके इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। यही बहुत अच्छी बात है फैंटेसी गली की, और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि प्लीज फैंटेसी गली के साथ जुड़िए, सोशल मीडिया हैंडल्स पर हैं, और आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, थैंक यू वेरी वेरी मच। लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा बंधु, क्योंकि आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल को, और वहां पर एक बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपके लाइक और शेयर से हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और आपके मन में क्या है उसके लिए यहाँ पर चैट सेक्शन दिया गया है, प्लीज कमेंट सेक्शन, आप वहां पर अपने कमेंट्स जरूर दर्ज करें, हम भी आपके साथ बात करना चाहेंगे, आपके जो विचार है वो हम इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे। आप अपने हिसाब से कहिए, मेरे हिसाब से ये कैप्टन होना चाहिए, ये वाइस कैप्टन होना चाहिए, या फिर ये सब थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट फैंटेसी गली में आनी चाहिए, हम वो सब पर अमल जरूर करेंगे, और हो सकता है हम आपके साथ एक शो भी करें, है ना, अच्छी बात। और फैंटेसी गली पर एक आने का एक और फायदा ये होता है कि अगर आप टॉस के बाद आते हैं ना, तो आपको 10-10 टीम कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जैसे कि फैंटेसी गली का बेस्ट 11, यानी फैंटेसी गली की तरफ से ही एक बेस्ट 11 तैयार करके मिलेगा आपको, सीधा उधर से उधर ही उतारना है आप जिस साइड पे खेल रहे हैं, फिर बैटिंग फोकस रहेगा, बॉलिंग फोकस रहेगा, ग्रैंड लीग में खेलने के लिए आपको 2-3 टीमें मिलेंगी, ये सब टॉस के बाद। टॉस के पहले आओगे तो आपको 5 टीम्स ही मिलेंगी, टॉस के बाद आपको 10 कॉम्बिनेशंस। एक और फायदा है अगर आप टॉस के बाद आते हो तो टॉस के बाद जैसे ही हमारे स्कोरर्स को लाइनअप मिल जाता है, वो आपको एक नोटिफिकेशन भिजवाएंगे और कहेंगे कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। ये आपको साइट पे तो दिखेगा ही, लेकिन अगर आपने फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड किया है तो वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। ऐप आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में तो आ ही गया है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज उस लिंक का उपयोग जरूर करें। एक और फायदा है टॉस के बाद आने का, वो ये कि अगर आप टॉस के पहले आएंगे ना, तो आपके पास 40-50 प्लेयर होंगे। अब इनमें से आपको 11 की टीम बनानी है, और टीम बनाने के बाद क्या गारंटी है कि ये 11 के 11 खेल भी रहे होंगे मैच में, कोई गारंटी नहीं ना। तो आपको टॉस के बाद तो फिर से आना पड़ेगा, या फिर अपनी किस्मत पर निर्भर रहना पड़ेगा। यही अगर आप टॉस के बाद आएंगे तो आपके पास जो प्लेयर्स हैं, ये जैसे कि मैंने कहा स्कोरर्स के पास लाइनअप आने के बाद आपको नोटिफिकेशन भिजवाते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ यह है कि आपके पास अब 22 प्लेयर के ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको 11 की टीम बनानी है, और कंफर्म आप कौन से भी 11 चुने उस 22 में से वो 11 के 11 मैच में खेल रहे होंगे। तो चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एपिसोड से मदद जरूर मिली रहेगी, और आपको ऑल द बेस्ट भी विश करना चाहूंगा जब आप इस मैच के लिए अपनी टीम बनाए तो। और एक और बात फिर से मैं कहना चाहूंगा कि फैंटेसी गली सिर्फ उन मैचों का ही टीम्स नहीं देता है, या टीम सजेशन नहीं देता है जिनका हम वीडियो बनाते हैं, काफी दूसरे मैचेस भी हैं जिनका वीडियो नहीं बन पाता क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है या जो भी है,
तो जैसे कि सुपर स्मैश है, विमेन सुपर स्मैश है, अब इसके वीडियोस नहीं बनते, लेकिन अगर आप फैंटेसी गली के मैच सेंटर पे जाएंगे तो आपको लिखित सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से प्लेयर्स आपको लेने चाहिए, किस तरह के कैप्टन, वाइस कैप्टन, और कॉन्टेस्ट सेक्शन तो वैसे ही है। चलिए, मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली की तरफ से आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, बाय बाय।